सीधी जिले में एक 65 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप की शर्मनाक घटना सामने आई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दो आरोपियों ने पहले महिला को शराब पिलाई और फिर कमरे में बंद कर उसके साथ जबरदस्ती की। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के एक वार्ड में रहने वाली 65 वर्षीय महिला को शराब की लत थी। इसी का फायदा उठाकर दो युवक आए और शराब पिलाने का आश्वासन देकर घर से दूर एक कमरे में महिला को ले गए, जहाँ कमरे में जाते ही अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और महिला के साथ दुष्कर्म किया। गंभीर हालत में पीड़ित महिला का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। अगले दिन होश में आने पर महिला ने आपबीती बताई, जिसकी रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई। इस पूरे मामले में सीधी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना कोतवाली के क्षेत्राधिकार की घटनाक्रम घटा है, जिसमें 65 वर्षीय जो महिला है उसके साथ में जो है रेप की घटनाक्रम आई है, जिसमें दो आरोपियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को इसमें हिरासत में लेते हुए इसमें जो है अग्रिम जो विवेचना की जा रही है, और साथ ही इसमें अन्य साक्ष्य भी संकलन किए जा रहे हैं। चूँकि जो जिस प्रकार से महिला की एज है और उस परिस्थितियों में ये कैसे हुआ घटनाक्रम, और भी अन्य क्या क्या साक्ष्य इसमें संकलन किए जा सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या अन्य हम बात कर रहे साइबर के रूप में, तो सारे साक्ष्यों का हम संकलन करते हैं। कहते हैं कि शराब के नशे में थे, और ये जानकारी इसमें प्राप्त हुई है कि जो है फरियादिया जो है वह भी शराब में, और जो आरोपीगण थे वह भी शराब में नशे में थे और एक दूसरे को परिचित भी थे। लेकिन जैसा कि है पूरा प्रकरण अभी विवेचना में है, और विवेचना में जो आए तथ्य उन तथ्यों के आधार पर इस पर जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीधी से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।